Dear students, let us discuss about details of common house lizard, Hemidactylus. I have covered this topic in Zoom class also, but in Zoom attendance was very nil. About 60 students were present only, so I am repeating this topic. Hemidactylus, common house lizard, wall lizard it is commonly called. Let us discuss about its systematic position. Phylum Chordata, subphylum Vertebrata or Craniata, division Gnathostomata, class Reptilia, subclass Diapsida, order Squamata, suborder Lacertilia, genus is Hemidactylus. It lives in warm countries like India, Sri Lanka, China, United States of America and many parts of Africa. In India, there are present only 3 species. Hemidactylus flaviviridis is commonly found in North India. In South India, Hemidactylus brookii and Hemidactylus giganticus are commonly found. And some more species names are given which are found in Europe. Habitat and habits of wall lizard. Hemidactylus is commonly found in every home on walls. It is nocturnal, active during night, carnivorous, feeds on insects and small vertebrates, fast runner, adapted to walk on walls. Walls may be chalti hai bina gire. With the help of rounded adhesive pads present in toes. It hibernates in extreme winter months from December to early March. Winters mein dikhti nahi hai na wall lizard. In the surfaces of wall, diwaron ki dararon mein or under undisturbed garbage, logs, in stores, in sab jagahon pe ye hibernate karti hai. It also shows defense by autotomy. ऑटोटॉमी भी शो करती है, ये अपनी टेल को शेड कर देती है इन डिफेंस बाय सेल्फ एम्पुटेशन, लेकिन टेल इज रीजनरेटेड, बाद में टेल वो रीजनरेट हो जाती है. और रिप्रोडक्शन में क्या है, यूनिसेक्सुअल, शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. मेल लिजर्ड में क्या है, हेमिपील्स है, फीमोरल ग्लैंड्स है. इट ब्रीड्स इन अप्रैल एंड मई इन नॉर्थ इंडिया. कोर्टशिप प्रोसीड्स कॉपुलेशन, क्या करते हैं, मेल्स बिकम एग्रेसिव, स्टेयर्स एट फीमेल फॉर सम टाइम देन अप्रोचेज हर. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ओविपेरस है ये. 10 टू 15 एग्स ले करती है वॉल्स पे या अनडिस्टर्ब एरियाज में. एग्स का एक पर्टिकुलर साइज भी है और एग्स थिन वॉल्स शेल से कवर्ड होते हैं, डस्टी वाइट है कलर में एंड हैच बाय नेचुरली. इट कैन चेंज इट्स कलर, दैट इज नॉन्ड एज मेटाकोसिस फॉर डिफेंस. Habitat and habits cover हो गई. External features, body is elongated and depressed. आप डायग्राम में देख रहे हैं 23 to 32 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये. डर्टी लुकिंग है एंड डार्क एंड ग्रे पैचेज ऑन डॉर्सल साइड वाइल वेंट्रली इट इज येलोइश वाइट इन कलर. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. अभी तक फ्रॉग में हमने पढ़ा था नेक एब्सेंट है और टेल भी एब्सेंट है, बट हेयर, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल आर प्रेजेंट. हेड पे क्या क्या फीचर्स हैं, आप अपनी कॉपी में ये हाउस लिजर्ड का, वॉल लिजर्ड का डायग्राम ड्रॉ करेंगे शोइंग एक्सटर्नल फीचर्स. नॉस्टल दिख रहे हैं, आई दिख रही हैं, हेड, ट्रंक, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स दिख रही हैं, फोर लिम्ब दिख रहे हैं, हाइंड लिम्ब्स हैं, क्लॉज दिख रही हैं, एक लंबी सी टेल दिख रही है ट्रंक के पीछे. ओके, नाउ हेड पे पहली बॉडी डिवीजन के क्या है, हेड ट्रायंगुलर है, रिलेटिवली स्मॉल है. और क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट है हेड पे, क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, माउथ टर्मिनल है, वाइड स्लिट है, बाउंडेड बाय इमूवेबल स्केली लिप्स, लोअर लिप राउंड है बट अपर लिप हैज शार्प एजेस एंड कवर्स द लोअर लिप. तो माउथ तो हो गया. देन नॉस्ट्रिल्स, जस्ट अबव द माउथ देयर इज प्रेजेंट एक्सटर्नल नेयर्स इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ ओवल ओपनिंग्स. माउथ के बाद हैं नोस्ट्रिल्स. देन आईज, अ पेयर ऑफ स्मॉल एलिप्टिकल आईज आर लोकेटेड डोर्सो वेंट्रली.
इन द मिडल ऑफ हेड, हेड के टॉर्सो वेंट्रली प्रेजेंट है. आईज हैव राउंडेड प्यूपिल एंड आयरिस का क्या कलर है, लाइट ऑरेंज. आईज के पीछे हैं ईयर ओपनिंग्स प्रेजेंट. देयर इज प्रेजेंट अ डीपली संकन पिट. एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स हैविंग एन ओवल ब्राउनिश टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एट इट्स बॉटम. तो इसमें एक्सटर्नल ईयर्स भी प्रेजेंट हैं. फ्रॉग में हमने पढ़ा था एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, ओनली मिडल और इंटरनल ईयर होते हैं. अब हेड, सेकंड डिवीजन है बॉडी की नेक. छोटी सी नेक है, हेड को ट्रंक से जोड़ती हुई, और नेक में स्किन फोल्ड्स प्रेजेंट है लेटरल और वेंट्रल साइड पे. थर्ड बॉडी डिवीजन है ट्रंक, लॉन्ग ब्रॉड एंड डिप्रेस ट्रंक. डॉर्सल साइड आर्च्ड रफ, वेंट्रल साइड स्मूथ एंड फ्लैट. टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स आर प्रेजेंट ऑन ट्रंक रीजन. टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स, ओके. एंड ट्रंक में क्या क्या प्रेजेंट है, डिवाइडेड इनटू थॉरेक्स एंड एब्डोमिन. फोर लिम्ब्स एंड हाइंड लिम्ब्स आर प्रेजेंट. एंड लास्टली अ क्लोइकल अपर्चर इज प्रेजेंट. लिम्ब्स में क्या क्या था, लिम्ब्स में क्या क्या था स्टूडेंट्स, फोर लिम्ब्स, हाइंड लिम्ब्स. फोर लिम्ब्स में कौन से पार्ट हैं, ब्रैकियम, एंटी ब्रैकियम एंड हैंड. और हैंड में पांच डिजिट्स हैं. डिजिट्स में क्लॉज भी हैं और एडहेसिव पैड्स भी हैं. हाइंड लिम्ब्स में जैसे हर एनिमल में थाई, शैंक एंड फुट प्रेजेंट है. फुट में पांच टोज हैं एंड अलोंग विद क्लॉज. और इन टोज में एडहेसिव पैड्स प्रेजेंट हैं ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ टोज, जो कि ग्रिप मेंटेन करने में हेल्प करते हैं जब ये वॉल पे चलती है. एंड दिस एनिमल शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. मेल्स हैव हेमिपेंस इन देयर क्लोएका, फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं. मेल्स छोटे होते हैं और डार्कर होते हैं, फीमेल्स लॉन्ग होती हैं और फेयरर. फीमेल्स में एब्डोमिन ब्रॉड होता है, ओके. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करती है. तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, हैबिट्स एंड एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ वॉल लिज़र्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज बॉडी वॉल ऑफ हेमिडेक्टाइलस. बॉडी वॉल सारे विसल ऑर्गन्स को इंक्लोज करती है और सिलोम को स्किन, मसल्स और पेरिटोनियम है. स्किन ड्राई, स्केली, रफ. इसका डायग्राम आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करना. मीजोडर्मल है ओरिजन में. स्किन ड्राई, स्केली एंड रफ. इट हैज नो ग्लैंड्स एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर. आउट एपिडर्मिस और डर्मिस की बनी हुई, और नीचे पेरिटोनियम मसल्स के बाद प्रेजेंट है. एपिडर्मिस आउटर लेयर फॉर्म्ड ऑफ स्टेटम कॉर्नियम विच इज हैविंग थिन फ्लैटेंड डेड सेल्स. सेल्स कंटिन्यूसली एडिड बाय स्टेटम जर्मिनेटिवम विच इज वेरी एक्टिव. एपिडर्मल शो सेल्स शो फ्लैटनिंग एंड डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन. स्टेटम कॉर्नियम क्या करती है, प्रोड्यूसेस स्केल्स विच फॉर्म एक्सोस्केलेटन ऑफ बॉडी. स्केल्स अंडरगो एक्डाइसिस. क्या है, शेडिंग. एक्डाइसिस क्या होता है, शेडिंग ऑफ स्केल्स. शेडिंग ऑफ एनी पार्ट इज टर्म्ड एज एक्डाइसिस. तो स्केल्स की शेडिंग होती रहती है रेगुलरली. एपिडर्मिस के बाद है डर्मिस प्रेजेंट. लोअर थिकर लेयर कंसिस्टिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, ब्लड वेसल्स, क्रोमेटोफोर्स, नर्व फाइबर्स, मसल्स. इंटेगमेंट्री ग्लैंड्स नहीं होती, केवल फीमोरल ग्लैंड्स के अलावा. इसके बाद है मसल्स. मसल्स की एक लेयर प्रेजेंट है स्किन के नीचे. थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स, स्मूथ मसल्स, विसरल ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड, स्टेटेड मसल्स, लिम्ब्स के साथ एसोसिएटेड, बॉडी वॉल के साथ एसोसिएटेड, और कार्डियक मसल्स, हार्ट के साथ एसोसिएटेड. ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं सारी मसल्स. सबसे नीचे पेरिटोनियम, स्किन की लोअर मोस्ट लेयर कहलाती है पेरिटोनियम, विच एनक्लोजेस द सिलोम. इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजन. तो दिस इज अबाउट बॉडी वॉल ऑफ हेमिडेक्टाइलस. एक बड़ी सी सिलोम भी होती है. ए लार्ज बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, सिलोम कहलाती है वो, ठीक है. और सिलोम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंटीरियर स्मॉल पेरिकार्डियल कैविटी हर्ट के चारों तरफ, और लार्जर जो है पीछे वाली प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी और पेरिविसल कैविटी, विसरल ऑर्गन्स के चारों तरफ. और ये सिलोम दो पार्ट्स में बटी हुई है, और दो सब में सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है. दिस इज अबाउट सिलोम ऑफ हेमिडेक्टाइलस. उसके बाद आज मैंने
जूम क्लास में एंडोस्केलेटन ऑफ वेरनस डिस्कस किया था। एंडोस्केलेटन में एक्सियल स्केलेटन के बारे में बताया था और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। एक्सियल स्केलेटन में स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम प्रेजेंट हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्ब बोन्स और गर्डल प्रेजेंट हैं। स्कल में क्या क्या प्रेजेंट है? क्रेनियम, सेंस कैप्सूल्स एंड विजरल स्केलेटन। क्रेनियम में ऑक्सीपिटल सेगमेंट प्रेजेंट है, पेराइटल सेगमेंट प्रेजेंट है, फ्रंटल सेगमेंट प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। और सेंस कैप्सूल्स में ऑडिटरी कैप्सूल्स प्रेजेंट थे, ऑप्टिक कैप्सूल्स प्रेजेंट थे, ऑल्फैक्टरी कैप्सूल्स प्रेजेंट थे, ऑडिटरी हियरिंग के लिए, ऑप्टिक विजन के लिए और ऑल्फैक्टरी कैप्सूल्स सेंस स्मेल के लिए, ठीक है। और विजरल स्केलेटन में अपर और लोअर जॉज, हॉयड अपरेटस, ये सब प्रेजेंट है। अपर जॉ में प्री मैक्सिला, मैक्सिला, जुगल, पैलेटाइन, टेरिकॉइड्स, एपिटेरिकॉइड्स, स्क्वामोसल, क्वाड्रेट, ये सब बोन्स पढ़ेंगे अब अपर जॉ में। लोअर जॉ या मैंडिबुलर में आप आर्टिकुलर, एंगुलर, सुप्रा एंगुलर, कोरोनॉयड, स्प्रीनियल, डेंट्री, इनके बारे में पढ़ेंगे। हॉयड अपरेटस हमेशा बकल कैविटी के फ्लोर में होती है और टंग को सपोर्ट करती है। कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में वेरनस की 85 वर्टिब्री हैं। इसमें एटलस भी प्रेजेंट है, एक्सिस भी, और टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री भी, थोरेको लंबर भी हैं, सैक्रल वर्टिब्री हैं दो, और 53 के अराउंड कॉर्डल वर्टिब्री हैं। फिर रिब्स प्रेजेंट हैं, फिर स्टर्नम प्रेजेंट है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल गर्डल, स्कैपुला, कोराकॉइड, क्लेविकल्स की बनी हुई और ग्लेनॉइड कैविटी होती है पेक्टोरल गर्डल में, जिसमें कि ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है। पेल्विक गर्डल जो कि हिप गर्डल है, वो इलियम, एसियम और प्यूबिस की बनी हुई, और इसमें एक कैविटी होती है एसीटैबुलम, ओके। लिम्ब बोन्स में आपने फोर लिम्ब बोन्स के बारे में पढ़ना है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और फिर हाइंड लिम्ब बोन्स में फीमर, टीबियो फिबुला एंड टार्सस, मेटाटार्सल्स एंड टोस, इनके बारे में पढ़ना है, ओके। दिस इज अबाउट एंडोस्केलेटन ऑफ वेरनस। ये आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में ड्रॉ करना है, और फीचर्स जो बताए हैं वो थ्योरी के लिए तैयार करने हैं। कल हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इसके बारे में, हेमिडेक्टाइलस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।